আইদিনাখন ক্লাস সিক্সৰ চেপ্টাৰ ফোৰ নম্বৰটো পঢ়াইছিলো ধৰিত্ৰী মাতা কা পত্ৰ। আজি ক্লাস সিক্সৰ পাৰ্ট ফাইভ পঢ়াই দিম মই। লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ, সবে তো নাম শুনিছা, লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ নামটো সবে শুনিছা। আজি হিন্দীতে চেপ্টাৰটো পঢ়াই দি আছো চোৱা। শাম কা সময় হে, বিনু আপনে কমৰে মে বেঠি হে। সন্ধিয়াৰ সময় আছিল, বিনু নিজৰ ৰুমত বহি আছিলে। वह बहुत परेशान है, तै बहुत चिंतित आसिल, चिंता करी आसिल। उसे असम के किसी वाहन व्यक्ति पर निबंध लिखना है, पर वो कुछ लिख नहीं पा रही है। तैक माने अहोमर कोनो व्यक्तिर ऊपरत लिखिबो लागिसिल, रचना लिखिबो लागिसिल, किन्तु तै लिखिबो पारा नाय, कार ऊपरत लिखिम भाबी आसिल। उसने दीदी विशाखा को अपनी परेशानी बताई, तै तर बायक आसिल विशाखा, विशाखा निजर कष्टर माने चिंतार कारणटो कले। विशाखा ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें एक व्यक्ति के बारे में बताती हूँ, वे महान व्यक्ति हैं, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै जी। वैसे मैं तुम्हारे जन मानुहर कथा कम, बहुत विख्यात व्यक्ति, तेर नाम हल लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै। लोकप्रिय क्यों कह तक सबे भल पासी, लोकर प्रिय सबे भल पासी, सीकरण तर नाम लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलै, तर उपाधि दी लोकप्रिय। वे असम के प्रथम मुख्यमंत्री तथा राष्ट्रभाषा हिंदी के हितैषी थे, तो प्रथम मुख्यमंत्री आसिल अहोमर आरो हिंदी राष्ट्रभाषार हिताकांक्षी आसिले। उनका जन्म 6 जून 1890 को नगाँव जिले के राहा में हुआ था। तेर जन्म कत हुई नगाँव रहात हुई, रहा नाम एन ठाई आसे, 1890 सन 6 जून। उनके पिता का नाम डॉक्टर बुद्धेश्वर बरदलै और माता का नाम प्राणेश्वरी देवी था। तेर देवतर नाम आसिल बुद्धेश्वर, डॉक्टर बुद्धेश्वर बरदलै, और माकर नाम आसिल प्राणेश्वरी देवी। उनकी प्राथमिक शिक्षा राहा में प्रारंभ हुई, राहाते प्रथम प्राथमिक शिक्षा तो आरम्भ हुई। वे एक मेधावी छात्र थे, उन्होंने सन 1907 में गुवाहाटी के कॉटन कॉलेजेट स्कूल से प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1907 सन गुवाहाटी कॉटन कॉलेजेट स्कूल प्रथम विभाग मेट्रिक पास कर मेट्रिक विभाग, मेट्रिक परीक्षा प्रथम विभाग मानने बहुत डाँगर कथा। ओके, आजिकाल मेट्रिक परीक्षा फार्ष्ट डिविजन और आगर कल मेट्रिक फार्ष्ट डिविजन मजदूर फास्ट डिफरेंस, बहुत पार्थक्य आसे। आजिकाली 6টা লেটার পালেও মানুহৰ সন্তুষ্টি নহয়, হয় না নাই? কিন্তু আগতে মানে ফার্স্ট ডিভিশন পোৱা মানে হসাই জিনিয়াস, তেওঁ হসাকৈ জিনিয়াস, তেওঁ কোনো মানে কি নাই। আজিকালি ফার্স্ট ডিভিশন পায়ও বহুত বস্তু নাজানে, খালি পঢ়া শুনাখিনি কৰে আৰু পৰীক্ষাত যায় পেলাই ভমিট কৰি দিয়ে, হৈ গ'ল। তাৰপিছত আৰু কি আছে কিতাপখনৰ ভিতৰত বহুতে নাজানে। মই সবৰে কথা কোৱা নাই, কিছুমানৰ কথা কৈছোঁ। অ'কে, উসকে বাদ কটন কলেজ সে উনহনে আইএ কি পৰীক্ষা পাস কি। उच्च शिक्षा के लिए वो कोलकाता गए, तार पास आई ए पास कर कॉटन कॉलेज और कोलकाता पढ़ने गल उच्च शिक्षार कारण। वहाँ से उन्होंने बीए एमए और वकालत की उपाधियां प्राप्त की, ताते बीए पढ़िल एमए पढ़िल और वकालतियो पास कर। बिनु ने पूछा, दीदी बरदलै जी की रुचि के बारे में जरा बताइए, बताइए ना। कैसे जे बरदलै जी मैंने रुचि की आसिल हेटू कौकसुन, सुनो मैं बताती हूँ। कैसे ठीक है, मैं कह आसो। गोपीनाथ बरदलै एक अच्छे गायक और खिलाड़ी थे, तो भल गायको आसिल और खेलुवैयो आसिल। उनकी रुचि नाटक में भी थी, तो नाटको करिसिल। महात्मा गांधी के आह्वान पर वे स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े थे और उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा था। महात्मा गांधी आह्वान तो स्वाधीनता आंदोलन जपियाई पड़ी और तार कारण बहुत बार जेललो जाबलगिया। जेल में ही उन्होंने श्री रामचंद्र, बुद्धदेव, हजरत मोहम्मद आदि जीवनी ग्रंथ की रचना की। एबिलाक ताओ रचना करिसिल, श्री रामचंद्र, बुद्धदेव, हजरत मोहम्मद एबिलाक किताब ताओ लिखिसिले। उनके द्वारा रचित अन्य दो ग्रंथ है महात्मा गांधी और अनाशक्ति योग, और दुखन किताब से महात्मा गांधी और अनाशक्ति योग। दीदी आप उनके वैवाहिक और कर्म जीवन के बारे में जानती है क्या? कैसे बाइद अपनी तो विवाहित जीवन और कर्म जीवन विषय जाने निकी। विशाखा ने कहा, विशाखा कैसी, उत्तर गुवाहाटी के भूमिकांत शर्मा मजिंदार बरुआ की कन्या श्रीमती सुरवाला बरदलै से उनकी शादी हुई थी। उत्तर गुवाहाटी भूमिकांत शर्मा मजिंदार और कन्या सुरवाला बरदलै लगत विवाह हुई। वे सादा जीवन और उच्च विचार के थे, बहुत माने सरह सरल जीवन जापन करिसिल, किंतु उच्चाकांक्षा आसिल। आमी कौन हम कि मिशत कह आसो। वे हमेशा असमवासियों के भलाई के लिए काम व्यक्ति करते थे, सदावासर भलर कारण काम कर। सिम्पल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, हेटू मैं कब खुजी, सिम्पल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, तमें सदा सिम्पल लिविंग कर सहज सरल जीवन जापन कर लगे, कि चिंताधारा सदा डांगर रख लगे, चिंताधारा उच्चाकांक्षा रख लगे सदा जीवन, और व्यक्ति आसिल। असम की जनता उन्हें बहुत चाहती थी, इसलिए उन्हें लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। मैं कैसी ना मानु बहुत भल पासी कारण लोकप्रिय नामे जाना गई। दीदी बरदलै जी ने हिंदी के लिए क्या क्या किया? हिंदी कारण की बैद्य भनिया के खुदी से
अच्छा तो ये भी सुनो, बरदलै जी ने 3 नवंबर 1938 को गुवाहाटी में असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की थी। असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति स्थापना करिसे केत्या 1938 नवंबर। वे इस समिति के प्रथम अध्यक्ष और यह समिति का प्रथम अध्यक्ष आसिल। उनके प्रयास से सन 1948 में गुवाहाटी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और तेर पढ़ाई होते 1948 गुवाहाटी विश्वविद्यालय स्थापना হৈছিল। সদায় মনত ৰাখিবা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কেতিয়া স্থাপনা হৈছিল 1948। 5 আগষ্ট 1950 কো উনকা স্বৰ্গবাস হোৱা আৰু তেওঁ মৃত্যু কেতিয়া হৈছিল 5 আগষ্ট 1950 চনত। ভাৰত চৰকাৰে সন 1999 মে উনহে মৰণোত্তৰ পৰান্ত ভাৰত ৰত্ন উপাধি বি উপাধিৰে সন্মানিত কৰা আৰু তেওঁক 1999 চনত ভাৰত চৰকাৰে ভাৰত ৰত্ন সবতছে ডাঙৰ এটো এটা উপাধি হয়, সেই উপাধিৰে তেওঁ সন্মানিত কৰিছিলে। বা দিদি আপনে বাৰে সংক্ষেপ মে বৰদলে জী কা সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিত্ব প্ৰকাট কৰি দিলা। আব মে ইন পৰ এক সুন্দৰ নিবদ্ধ লিখ সকতি হওঁ। তাৰপিছত তাই কৈছে বাহ পাই, তো আপুনি ইমান সহজ সৰল ভাত ইমান ধুনীয়া কৰি মোক বুজাই দিছে বৰদলৰ জীৰ বিষয়ে। এতিয়া মই সুন্দৰ কৰি তেওঁৰ বিষয়ে এখন ৰচনা লিখিব পাৰি। চ' এইটোৱে চেপ্টাৰ আছিল পাৰ্ট 5, লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ, ক্লাছ 6। Okay, thank you.